नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के ऊपर। जो हमारे संत महात्मा हैं, जो गोरखपुर से संत रहे हैं, पूर्व संत, और जो कि आज हमारे कहते हैं कार्यकारी मुख्यमंत्री है भैया। वैसे सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हो जहाँ सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है, देख रहे हो कंगना क्या हाल किया, घर गिरा दिए भाई महाराष्ट्र में, है कि नहीं। तो अब यहाँ तो योगी जी हैं, अब इनसे तो क्या कहें हम, है ना। अब जब इतने सारे धरने हुए, लोग सड़कों पर उतर आए कि भैया रोज़गार रोज़गार रोज़गार, तब आज उन्होंने कहते हैं ये न्यूज़ निकाली कि 3 माह में शुरू होगी खाली पदों की भर्ती, ये देख रहे होंगे आप, हैं, और 6 महीनों में इनकी नियुक्ति हो जाएगी जितनी पेंडिंग डली है। इन्होंने दावा किया है कि हमने अभी तक कहते हैं 3 लाख भर्तियाँ की हुई हैं योगी राज में, और 86,000 भर्तियाँ क्या है प्रक्रियाधीन है। भैया इन्होंने आंकड़े भी दिए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता साला, इतने आंकड़े दिए हैं, इतनी भर्तियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी रोज़गार 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 चल रहा है। और आपको ये बता दूँ, चलो नौकरी की बात आई है, तो नौकरी के लिए आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि रेलवे जो है दिसंबर में भर्तियाँ कर रही है, 1,40,000 रेलवे की भर्ती हैं, उसमें कई सारी क्लर्क की कहते हैं पोस्ट है और कई तरह की हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आजकल कहते हैं, कल ही परसों की बात है, कहते हैं प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि संविदा वाली 5 साल की संविदा और 50 साल में रिटायरमेंट के जो भ्रांतियाँ, मतलब इस सरकार ने कहा कि सब साल मौजूद जो हमारे सम्मानी बहुत प्रिय कह सकते हो डिप्टी CM, उन्होंने कहा ये भ्रांतियाँ है जो विपक्ष की सरकार फैला रही है। तो अब इसको आप क्या कहना चाहते हैं, ये कुछ कह नहीं सकते। और आज एक और मुद्दा जो मुझे सबसे अच्छा रोचक लगा है, वो अपनी जया चाची का है। जया चाची ने जब मुंह खोलकर लोकसभा में बोल तो दिया कि बॉलीवुड में लोग बॉलीवुड का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसे भी छेद कर देते हैं। क्या ये वास्तव में छेद कर देते हैं, ये थाली के कहते हैं वो पहले से उसमें ख़राब है? क्या वो कह सकती हैं कि बॉलीवुड वास्तव में बिल्कुल साफ़ सुथरा है? अभी महेश भट्ट साहब, ठीक है, क्या उनके परिवार को आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ वो उनके परिवार बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल हैं? जो बंदा अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कह सकता है कि अगर वो बेटी ना होती तो मैं शादी कर सकता था, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? उस शक्ल से भैया ड्रग्स वाले लगते हैं। अभी देखो रिया चक्रवर्ती, अभी सलमान खान ले लो, सलमान खान अब भैया साहब सुधरने लगे हैं, कुछ बी वूमन और भी लोग डरते हैं, उसके बारे में कुछ कहते नहीं, क्योंकि कहेंगे तो गाली सुनने लगे लोग कहते हैं। और दूसरी बात तो ऐसे बहुत, करण जौहर भैया, करण जौहर क्यों लोग उनकी चमचागिरी करते हैं, क्योंकि भैया फिल्में चाहिए, है कि नहीं, फिल्में चाहिए, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो क्या कहते हैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, है कि नहीं। तो करण जौहर के बारे में ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जय चाची ने फिर दोबारा नहीं कहा। रवि किशन भैया जो अपने भैया जी हैं UP के भैया, उन्होंने कहा कि भैया बॉलीवुड में कुछ सफाई की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं है तो कंगना रनावत जो कि एक लड़की थी जो क्यों ड्रग्स में गई चली गई, आज खुशखबरी है कि आज वो बेचारी ड्रग्स से निकल के आई है और कहते हैं आज देश के हित में कुछ बोल रही है, वो खुल के सामने आ रही है, तो उसके विरोध में इतने सारे लोग खड़े हो गए हैं। उसका क्या दोष है कि वहाँ की जो सरकार है शिवसेना ने क्या कहते हैं उसका घर गिरा दिया है? भैया मनमानी है, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ तुम किसी की आवाज़ दबा दोगे। आज भी कहते हैं रवि किशन ने आवाज़ उठाई है लोकसभा में, और भी लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन अब जया चाची का मुंह नहीं खुल रहा है, हैं बच्चन साहब, हम वहीं से जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, कहाँ गए फिर डायलॉग है, हैं अब मुंह बिल्कुल चुप्पी है, खुलो, जितने भी स्टार हैं उनका मुँह नहीं खुल रहा है अब इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड बहुत पवित्र स्थान है, क्या क्या होता है वहाँ पे, तो होता है मानता हूँ, बहुत कुछ लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह अच्छे अच्छे लोग निकले, प्रवेश रावल, अनुपम खेर,
बढ़िया व्यक्तित्व के लोग निकले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे काम कर भी रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गंदगी है जिसको साफ होना चाहिए और उस सफाई के समर्थन में लोगों को आना चाहिए। लेकिन हमारी जया चाची तो कुछ कहो ना, वो तो मुंह फाड़ के बैठ चुकी। उन्होंने कहा कि जिस लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अबे थाली किसकी, किसकी थाली, लोग जाते हैं अपने टैलेंट से, सब कोई नहीं भाई अपनी थाली उठा के कहते हैं काम देते हैं। और जो गलत है भाई गलत है ना, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। तो बस आज के लिए तो इतना ही, मेरे को ये अपील है कि जया चाची को अगर इतना बुरा लग रहा है तो उनको दोबारा भी अब आना चाहिए, अब साक्ष्य देख के आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं हम क्या नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही कि पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए बोल दिए। और जो संजय रावत है विधायक जी, ये शिवसेना के विधायक, इतने पवित्र, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं कुछ भी। आजकल तो कहते हैं आज तक वाले एक बंदे को, शिवसेना के बंदे को डिबेट में बिठाते हैं तो कोई तिवारी करके है, और बंदा बिना तर्क की बातें बोलता है और फिर अपनी बातों में फंस जाता है। जिस डीजीपी ने आपको ऐसा बोला है कि आप अपनी बात मत रखो, आप कोविड या लॉन्चिंग के बारे में मत बोलो, पालघर इंसिडेंट पे मत बोलो, तो मैं आज आपको, मैं मुख्यमंत्री का कृषि क्षेत्र का सलाहकार हूँ, आप मुझे पूरे नाम दो और पब्लिक मत करो, ये ऐसा कभी भी नाम नहीं, ये शो खत्म होने के बाद उनसे ही बात करूंगा। देखिए पालघर लॉन्चिंग बात करूंगा क्या होता है, किशोर तिवारी जी बात करूंगा क्या होता है, बात करूंगा क्या होता है, क्या सिस्टमिक तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। किशोर तिवारी फोन करेंगे और किसी को कहेंगे कि इनको धमकाना और डराना बंद करो, ये क्या मतलब सिस्टमिक तरीके से है। और जाते जाते एक बात और बता दूं कि भाई आज से अपना आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल मतलब क्रिकेट, और क्रिकेट हमारा बड़ा फेवरेट है, क्रिकेट से बहुत सालों से नाता है। साला हम कक्षा 8 में पढ़ते थे तब लंच में भाग के धोनी की बैटिंग देखने जाते थे, श्रीलंका के खिलाफ जब मारते थे तब श्रीलंका पाकिस्तान की बैटिंग होती थी, तो यह साथ की बात है। अब आज की डेट में तक हम आज तक फैन हैं, और आईपीएल आ गया तो हम और बड़े फैन हो गए ससुरा। अब क्या बताएं रोहित को और कहते हैं धोनी कि भाई बैटिंग ना देखें तो क्या मज़ा आए। तो आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और एक बात और है खटक रही है यार, क्या बता मतलब बात ये खटक रही है कि साला हॉट स्टार पे तो बिना सब्सक्रिप्शन के आईपीएल नहीं देख सकते। अबे यार एक क्या चुतिया पकड़ दिया एक, चलो कोई नहीं अब देखेंगे भाई, चाहते तो देखनी पड़ेगी, लेकिन देखो और मजे लो। और हाँ सट्टेबाजी से दूर रहो भाई, बड़ी खतरनाक चीज़ है ना, जिस तरह से ड्रग्स उसी तरह सट्टेबाजी, नए नए लौंडों को बर्बाद कर रही है। चलते हैं भैया, मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ, कोई अपडेट के साथ। और हाँ ये क्या लिखा है, आई एम फाइन, समझ गए ना, चलो चलते हैं भाई। क्या हुआ अबे न्यूज तो सुन लियो, ये लाल बटन उसको सब्सक्राइब कौन करेगा, सब्सक्राइब करके जाओ यार, ध्यान से बिल्कुल सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जाना, ठीक है, बाय।